नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन कुकिंग में। आज हम बनाने जा रहे हैं बंगाली स्टाइल में फ़िश करी। ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है और बहुत ही चटपटा टेस्ट होता है इसका, खाने में बहुत ही लाजवाब है। तो आइए शुरू करते हैं फिश बनाना। सबसे पहले मैंने रोहू फिश लिया है 500 ग्राम। पहले हम एक प्याज को काट लेंगे बारीक टुकड़ों में, 2 हरी मिर्च काट लेंगे बारीक टुकड़ों में। जब हरी मिर्च कट जाए तब हम फिश को मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए मैंने फिश में टर्मरिक पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून, और साल्ट लेंगे 1 टेबल स्पून। अब मछली को मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, चारों तरफ से मछली पे कोटिंग करेंगे मसालों की। जब अच्छी तरह से कोटिंग हो जाए तब इसको मैरिनेट के लिए छोड़ देंगे 10-15 मिनट के लिए। अब मैंने एक पैन में तेल लिया है, तेल लेंगे लगभग 4-5 चम्मच मछली फ्राई करने के लिए। जब तेल गर्म हो जाए तब हम फिश को फ्राई करेंगे दोनों साइड से बारी बारी, जब तक ये मछली का कलर हल्का गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ध्यान रखिएगा तेल गर्म होना चाहिए। तेल जब ज़्यादा गर्म हो तभी मछली को फ्राई कीजिए, नहीं तो मछली चिपक जाएगी। फिर हम मछली को फ्राई कर लेंगे हल्की आंच में, दोनों तरफ से बारीक बारीक से फिश को फ्राई करेंगे। अब हमारी फिश दोनों तरफ से फ्राई हो जाएगी। फिश जब फ्राई हो जाए बढ़िया तरह से तब इसको हम एक अलग बाउल में रख लेंगे। हमारी फिश फ्राई हो चुकी है, अब इसको अलग से एक बाउल में या एक प्लेट में रख लेंगे। फिश हमारी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, फिश हमने फ्राई कर लिया है। अब हमने कुछ मसाले लिए हैं। सबसे पहले हहमें कढ़ाई में तेल लेंगे 3 स्पून, फिर 2 तेज़पत्ता डालेंगे, 1 टेबल स्पून जीरा और कुछ खड़े मसाले लेंगे। खड़े मसालों में 2-3 लौंग, 2-4 इलायची, थोड़ी सी दालचीनी और 4-5 काली मिर्च। अब मसाले को अच्छी तरह से उसमें फ्राई करेंगे। जब जीरा चटक जाए तो मसाला अच्छी तरह से भुन जाए फिर हम उसमें ऐड करेंगे कटी हुई प्याज। हमने कटी हुई प्याज ऐड कर लिया है, अब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे हम लोग प्याज को। अब इसमें ऐड करेंगे हम 2 ग्रीन कटी हुई हरी मिर्च, इसको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ। जब प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, प्याज गल जाए, तब हम उसमें ऐड करेंगे कटा हुआ टमाटर और अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो हमने ये ऐड कर दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट लगभग 1 चम्मच, इसको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। फिर हमने ऐड कर दिया है टमाटर हमने 2 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के। अब इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें लेंगे हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, रेड चिली अपने हिसाब से डालिएगा, कुछ लोग तीखा जाना ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, उनको थोड़ा ज़्यादा डालना है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून,
फिर हम इसमें ऐड करेंगे जीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, फिर हम इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी मिर्च 1 टेबल स्पून। कश्मीरी मिर्च एक कलर, अच्छा कलर आता है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे साल्ट, साल्ट स्वाद अनुसार डालिएगा। फिर हम ऐड करेंगे 1/2 कप पानी, अब मसाले को फ्राई करेंगे, हल्की आंच में पकाएंगे। ये हमारा मसाला पक चुका है, मसाले ने तेल छोड़ दिया है। जब मसाला अच्छी तरह से तेल छोड़ दे तब हम इसमें ऐड करेंगे जो फ्राई हुआ फिश। हमने ऐड कर दिया फ्राई फिश, और इसको अच्छी तरह से मसाले में मिला के अच्छी तरह से 2-4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। 1-2 मिनट का पकाएंगे ऐसे हल्की आंच में। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप पानी, दो कप पानी डाल के इसको अब गैस को फ्लेम कम कर देंगे और इसको लगभग 15 मिनट के लिए पकाएंगे। पकाने के लिए आप इसको ढक्कन भी लगा सकते हैं। 15 मिनट के जब पक जाए तभी आपकी मछली तैयार हो जाएगी। मैंने 15 मिनट के लिए पका लिया है स्लो गैस में, अभी आपकी फिश तैयार है। बहुत ही लाजवाब टेस्ट है इसका, एक बार आप घर पर ट्राई ज़रूर कीजिएगा बंगाली स्टाइल में फिश। धन्यवाद।